हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। देखिए दोस्त, आपका जो आज टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ये सेट थ्योरी के अंदर अंदर आता है और ये जो है पेपर वन का ग्रुप ए का क्वेश्चन है। तो ये हम पिछले क्लास में यूनियन ऑफ टू सेट बता दिए हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टी था वो भी बता दिए हैं, और आज हम आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में लेके आए हैं। ये टॉपिक है, कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेट का इंटरसेक्शन जो है उसको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से एंड इज द सेट ऑफ ऑल, ए इंटरसेक्शन बी जो निकलेगा वो एक सेट होगा और उस सेट का एलिमेंट जो होगा दो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी, मतलब कि ए और बी सेट का जो कॉमन एलिमेंट होगा और उसको अगर एक सेट के अंतर्गत हम लेते हैं तो वो जो हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो अगर हम इस डिफिनेशन को एक लाइन में कहना चाहें तो लिख सकते हैं, दस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग्स करेगा बी में। मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ एक्स रहेगा, वन हो, टू हो, थ्री हो, वो जो है सेट ए में भी बिलोंग्स करेगा और वो बी में भी बिलोंग्स करेगा। अगर इसको हम लिख ये एक लाइन में लिख दें, जैसे इसी तरह क्लियरली, अगर मान लीजिए कोई एक्स जो है एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का, ये एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, तब आप इसको क्या लिखिएगा? तो आप अगर देखिए ए इंटरसेक्शन बी का ही एलिमेंट है, तो ये जब एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये बिलोंग्स करेगा दोनों में, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, पिछले क्लास में हम आपको बता दिए होंगे कि अगर यहाँ पे यूनियन रहता है, यहाँ पे यूनियन रहता है तो यहाँ और लिखाता है, और यहाँ जब इंटरसेक्शन है यहाँ एंड लिखाया है। अब देखिए, जैसे कि यूनियन में आप और ये एंड दोनों में अंतर है, और का मतलब होता था या तो इस सेट में एलिमेंट है या तो इस सेट में एलिमेंट है या दोनों सेट में एलिमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ कंफर्म बोला जा रहा है कि जो भी एलिमेंट है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। अगर इस तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मान लीजिए कोई सेट ए है, लेट में कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट वन टू थ्री फोर है, एंड बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट टू थ्री फाइव सिक्स है। बोला बोला जाएगा फाइंड ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, या बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी बोले या बी इंटरसेक्शन ए बोले उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लिखिएगा, जैसे सॉल्यूशन में आपका दिया गया है ये दो सेट, गिवन सेट, गिवन सेट दो सेट दिया गया है, ए में है वन टू थ्री फोर और बी में है टू थ्री फाइव सिक्स, यही है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी अब डिफिनेशन से जानते हैं कि वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का सेट बनेगा जो एलिमेंट ए सेट ए और सेट बी दोनों सेट में कॉमन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं वन जो है सेट ए में है बट वन बी में नहीं है, फिर टू जो है सेट ए में भी है और टू जो है सेट बी में है, इसलिए एक एलिमेंट इसका टू हो गया। अब देखिए अगला, अगर थ्री देखते हैं तो थ्री सेट ए का भी एलिमेंट है, थ्री सेट बी का भी एलिमेंट है, इसलिए टू और थ्री हो गया। और आगे अगर फोर देखते हैं, ना से इस सेट में फोर है और इस सेट में फाइव है, तो इस सेट में भी फाइव नहीं है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी जो निकला वो टू और थ्री निकला। अगर हम यहाँ से बी इंटरसेक्शन ए निकालें, तो बी इंटरसेक्शन ए जब निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट बी में है वो एलिमेंट ए में देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है।
जो एलिमेंट्स कॉमन होगा उसी एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं टू बी में भी है और टू ए में भी है, इसलिए ये टू जो है दोनों सेट का एलिमेंट है। फिर अगला एलिमेंट देखते हैं, ये अगला एलिमेंट थ्री है और इसमें भी थ्री है, तो ये भी थ्री हो गया। आगे कोई, इसमें फाइव है, इसमें फाइव नहीं है, इसमें सिक्स है, इसमें सिक्स नहीं है। तो ये जो आपका था ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों आप देख रहे हैं निकल चुका है। और दोनों जो ये है आपको पता है कि ये दोनों इक्वल सेट के लग रहा है, और इक्वल सेट जब हो गया तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए। जब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए जब इक्वल हो जाए तब हम इसको कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन जो है टू इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अगर इसी तरह अगर हम तीन सेट ले लें, कोई भी और एक सेट है, जैसे मान लीजिए सी सेट है, सी सेट में टू थ्री सेवन एट एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अगर हम कहें कि अब जो सेट दिया हुआ है ये थ्री सेट दिया हुआ है, टू थ्री सेवन एट इतना दिया हुआ है, जब इतना दिया हुआ है तो अगर हम आपको बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी आपने क्या निकाला, टू थ्री, और ये इसी एलिमेंट को देख के और इस दोनों एलिमेंट, अब इस ये तो एक निकाल चुके हैं, अब बचा क्या है सी, सी के साथ इंटरसेक्शन निकालिए। तो जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है और वही एलिमेंट अगर सी में मिलता है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वो एलिमेंट होगा। तो जैसे देखिए इसमें टू है और इसमें भी टू है, तो ये एक एलिमेंट टू हो गया और दूसरा एलिमेंट इसमें थ्री है और इसमें भी आपका थ्री है, तो ये दूसरा एलिमेंट थ्री हो गया। इसी तरह अगर हम बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी निकालें तो उसका भी वैल्यू इतना ही होगा, तब हम यहाँ से कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी जो है इक्वल होगा। इससे यहाँ हुआ अगर दो सेट का जब इंटरसेक्शन निकालें, दोनों सेट अगर इक्वल आ गया तो वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड किया, और जब तीन सेट का इंटरसेक्शन निकालें और तीनों सेट अगर इक्वल हो गया, तीनों सेट का जो आप इंटरसेक्शन निकालें उसका वैल्यू सेम हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट जो है कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। ये जो था आपका जो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट था। इसी में अगर हम देखें तो अगर नॉट में लिख लीजिएगा, नॉट में अगर मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स नहीं करता है, तब इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज में आप उसको क्या लिखेगा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स करता है तो वो सेट ए में भी होगा और बी में भी होगा, तो एंड लिखाता है। तो यहाँ जो है एक्स जो है वो सेट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं बिलोंग्स कर रहा है, जब बिलोंग नहीं करता है तब हम लिख सकते हैं एक्स जो है वो ए सेट में नहीं हो सकता है या वो एलिमेंट सेट बी में भी नहीं होगा, तब ना कोई एलिमेंट में नहीं होगा। जैसे इसमें कहना एंड का कहने का मतलब है कि वो एलिमेंट ए में भी है और वो एलिमेंट बी में भी है। जब हम लिखते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। जैसे देखिए यहाँ जो है आपने एग्जाम्पल लिया है वन टू थ्री फोर, वन जो है ए इंटरसेक्शन, वन जो है ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स नहीं करता है। जब वो वन जो है ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स नहीं करता है तो ये तो कहना मुश्किल है कि वो ए में बिलोंग्स करता है या बी में, सेट बी में बिलोंग्स करता है, इसीलिए यहाँ नहीं अगर डिसीजन दे पाते हैं तो उसको और से डिनोट करते हैं कि वो एलिमेंट जो है सेट ए में बिलोंग्स नहीं करेगा या सेट बी में भी बिलोंग्स नहीं करेगा, लेकिन वो एलिमेंट किसी एक सेट में जरूर बिलोंग्स करेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ आपका वन था, वन जो है सेट ए का एलिमेंट है बट वन जो है सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं ए बिलोंग्स टू वन बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वन बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ये जो है ए में बिलोंग्स कर गया और ये जो है ए में बिलोंग्स नहीं किया।
यहाँ जो है आप देख सकते हैं, ये जो है आपका मेन जो होता है इसको, और आप इसको याद रखिएगा। फिर पिछले क्लास में भी अगर यूनियन आपको बताए होंगे तो यूनियन में आप देखे होंगे कि एक्स बिलोंग ए इंटर यूनियन बी अगर होगा तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब हुआ कि अगर वो एलिमेंट कोई ए यूनियन बी में है तो वो एलिमेंट सेट ए में भी हो सकता है या सेट बी में भी हो सकता है, या वो सेट ए में अगर नहीं है तो सेट बी में होगा, अगर बी में नहीं है तो ए में होगा। हो सकता है वो एलिमेंट दोनों सेट में बिलोंग्स करता हो, ए और बी में। और यहाँ जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट जो कि दोनों सेट में होना ही होना है, वैसा ही एलिमेंट लिया जाएगा जो दोनों सेट में रहेगा ही रहेगा। तो ये था आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। और अगला इसमें देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए आपका एक प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है फॉर एनी टू सेट, दो सेट है ए एंड बी। जैसे मान लेते हैं ए सेट है 1 2 3 और एंड बी सेट है 2 3 4, ये है। कह रहा ए इंटरसेक्शन बी, तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी जब निकालिएगा इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 फिर 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, तो 2 3 हो गया, ये एक सेट निकल गया। अब देखिए अगर हम इस सेट को सी मान लें और इस सेट को कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि सी सेट का जो जितना भी एलिमेंट है वो सेट ए में मिल रहा है। तो आपको पता होगा अगर कोई दो सेट है, फर्स्ट सेट का जितना भी एलिमेंट है वो अगर सेकेंड सेट में मिलता है तो फर्स्ट सेट जो है वो सेकेंड सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में जो है जितना एलिमेंट है वो सेट ए में भी मिल रहा है और सेट बी में भी मिल रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर कोई दो सेट है, दोनों सेट का अगर हम यूनियन निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वो जो इंटरसेक्शन जो निकाले वो इंटरसेक्शन का जो है दोनों सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी, यही था आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड में आता है, मान लीजिए दो सेट है, जैसे यहाँ दो सेट था, दो सेट है, अगर हम इसमें दो सेट जो है, जैसे अगर मान लें यहाँ ए सेट का मान 2 3 है, बी सेट का 2 3 4 है, 2 3 4 है, अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें तो 2 3 होगा। 2 2 और 3 जो है ये क्या है, सेट ए का इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं ए का इक्वल। जब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी अगर किसी सेट का टोटल एलिमेंट जितना भी एलिमेंट है वो इक्वल हो जाए तो हम उस सेट का इक्वल लिख सकते हैं। यहां से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का इक्वल हो गया। जैसे यहां देखिए अगर दो सेट है ए एंड बी है, ये क्या है, ए का सबसेट था, जब ए का सबसेट था तो ए इंटरसेक्शन बी ये क्या हो गया, इक्वल टू हो गया वो सेट, तब हम कह सकते हैं देन ए इंटरसेक्शन बी। यहां से आप देख सकते हैं अगर हम वैल्यू लेते हैं तो 1 2 जो है दोनों में मिलेगा और 1 2 जो है ए का इक्वल है, तब हम यहां से कह सकते हैं हेंस में कि अगर कोई सेट ए इंटरसेक्शन बी है और वो सबसेट है ए का, ये सबसेट ए का है, तब यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी अगर इक्वल हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी अगर इक्वल हो जाए तो वो सेट का सबसेट है। उसी तरह अगला अगर प्रॉपर्टी देखते हैं तो सिंस एवरी सेट ए कोई सेट है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, वो जो है ए सेट जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू अगर देखते हैं, तो मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है,
यूनिवर्सल सेट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। उसी में अगर हम ए सेट मान लें कि 2, 3 है, क्या है 2, 3 है, और अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए ए जो है ये सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट। ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए का जितना भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में मिल रहा है। अगर हम इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो वो कितना होगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अगर आप निकालते हैं तो आप देखिए एक सेट में यूनिवर्सल सेट में 1 है बट वो ए सेट में 1 नहीं है, यूनिवर्सल सेट में 2 है और ए सेट में भी 2 है, इसका एक एलिमेंट 2 हो गया। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, और अगला एलिमेंट अगर देखते हैं तो कोई भी एलिमेंट सेट ए में नहीं है। जब हम देख रहे हैं कि अगर ए जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट अगर निकालते हैं तो वो ए सेट का इक्वल हो जाता है। यही है प्रॉपर्टी, अगर कोई एक सेट है वो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, और जब वो सबसेट यूनिवर्सल सेट का है तो वो जो अगर इंटरसेक्शन उसका निकालेंगे तो वो जिस सेट का सबसेट है उस सेट का जो है इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं दैट इज ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तब हम यहां से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट अगर निकालें तो ये ए सेट का इक्वल हो जाता है। फिर ये था थर्ड नंबर, और फोर्थ नंबर में सिंस एवरी सेट ए, कोई एक सेट है इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे देखिए ये सेट ए था, अगर इसी को बोलेंगे कि दूसरा सेट वही ए है जो एलिमेंट सेट ए में है वही कंटेन कर रहा है, मतलब ए जो है दोनों सेट इक्वल है। जब दोनों सेट इक्वल है अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए ये दोनों सेट का इक्वल है, इसलिए वो जो है इक्वल हो जाएगा। तब हम यहां से कह सकते हैं कि हेंस ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अगर ए कोई सेट है इटसेल्फ, अगर वो सबसेट है जैसे यहां से ए इज द सबसेट ऑफ ए हो गया, तब हम ए इंटरसेक्शन ए अगर निकालते हैं तो वो क्या होगा, ए का इक्वल होगा। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी है कि सिंस अगर कोई नल सेट है, नल सेट का आप जानते हैं कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वही कह रहा है कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, किसी भी सेट का सबसेट होगा। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें 2, 3 एलिमेंट है और बी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइव। जब आप इसको फाइव लिखते हैं तो ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालिएगा तो इसमें कुछ भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं आया, इसलिए इसको ए इंटरसेक्शन जो है बी वो 5 हो गया। तो यहां से ए ये जो बोला कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, जैसे ये मान लीजिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये जो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसमें जो भी एलिमेंट है उस मान लीजिए इसमें जितना एलिमेंट है इसमें 2, 3 एलिमेंट था, इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं था। जब इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं था तो इसको हम एक से इसका तो लिख सकते हैं सबसेट। सबसेट का कहने का मतलब उसका प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का मिलना चाहिए ए में, या अगर तो हम बी इज द सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें जितना भी सेट है उसके अंतर्गत ये भी आ जाएगा। जब देखिए ये क्या हो गया, ए इज द नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो दैट इज नल सेट फाइव इज द सबसेट ऑफ ए। जब ये हो गया तो हम अगर यहाँ से इंटरसेक्शन निकालें कि फाइव इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ से इसका वैल्यू 5 आएगा। 5 आप देख रहे हैं जो आप एग्जांपल के थ्रू निकाले हैं, और ये था 5 नंबर। अगला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। आपको पिछले एग्जाम्पल में बता दिए थे
कि कम्यूटेटिव लॉ जो है दो सेट पे लागू होता है, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं और दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालने के बाद ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए अगर इक्वल हो जाता है तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ में आपको भी पता होना होगा कि यूनियन ऑफ टू सेट जब बताए थे तो उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड किया था, और एसोसिएटिव लॉ के लिए कम से कम तीन एलिमेंट तीन सेट होना जरूरी है, थ्री सेट होना जरूरी है। तो थ्री सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो भी इक्वल ही हुआ था, पिछले एग्जाम्पल में आप देख चुके हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। तो ये था आपका इंटरसेक्शन सेट का जो भी है प्रॉपर्टी। इसमें अगर देखिए जैसे ये जो है फाइव नंबर प्रॉपर्टी कि सिंस नल सेट जो है नल सेट सभी सेट का एक सबसेट है, तब हम किसी भी दो सेट का अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन निकालें और कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसका अलग नाम है, आप इसको देख लीजिए, उसको भी देखते हैं। जैसे देखिए आपका अगला जो है वो होता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको बोलेंगे, कहता है द टू सेट ए एंड बी इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ इफ द हैव नो कॉमन एलिमेंट। कहता है द टू सेट दो सेट है ए एंड बी इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ए और बी को डिसजॉइंट सेट बोलेंगे कब, इफ यदि वह जो है द हैव नो कॉमन एलिमेंट, अगर दो सेट है जैसे ए एंड बी है, एग्जांपल में अगर देखते हैं तो एग्जांपल में ए सेट मान लेते हैं अगर 1 2 3 है और एन बी सेट अगर हम मानते हैं कि 4 5 6 है, 4 5 6 है, अगर हम बोलते हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा तो ए 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5 6 ये हो गया। इसमें देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट है उसमें एक भी सेट का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट को कंटेन करता हो, जब दोनों सेट को कंटेन नहीं करता हो तो वहां आप फाइव लिखिएगा नल सेट, ये भी एक नल सेट है मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इसी सेट का ए इंटरसेक्शन बी जब निकालें अगर वो फाइव निकलता है तब हम कहेंगे हेंस हेंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो ये था आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का टोटल प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी में अगर ये भी एक प्रॉपर्टी था कि अगर दो सेट का हम इंटरसेक्शन निकालें और वो इंटरसेक्शन में अगर वो फाई आ जाता है मतलब नल सेट आ जाता है तो उसका नाम क्या पड़ता है। तो यही था वो डिसजॉइंट सेट जो है ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के अंतर्गत आता है। तो आज का क्लास जो है आज यहीं पे ऑफ करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, जो आपका अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।